हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल्या में स्वागत है। और आज कर रहे हैं बेटा हम फिफ्थ क्लास की इंग्लिश का सातवां लेसन, जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री, छोटा फर का वृक्ष। इसमें बेटा दो वीडियोज में हम इसको पढ़ चुके हैं और कुछ अभ्यास भी हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसका आगे का अभ्यास। और इसमें देखो बेटा क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको पढ़ना है। द रेन हैड स्टॉप्ड, द सेट्टी वाज हैप्पी। रेन रुक गई, बारिश रुक गई और सेट्टी खुश था। तो इसमें स्टॉप्ड पास्ट टेंस की वर्ब है ना, और वाज ये दोनों ही पास्ट टेंस है बेटा। सिंपल सेंटेंस में जब सिंपल पास्ट सेंटेंस हमारे पास होता है और उसका हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे हमारे साथ डिड और नॉट लग जाता है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल में। और जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वहां पे डिड, और डिड के बाद जो भी मेन वर्ब होगी उसकी पहली फॉर्म लग जाएगी। जैसे यहाँ पे बना रखा है आई स्टॉप्ड, स्टॉप्ड रुक गया, मैं रुक गया। और आगे इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट स्टॉप। स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म थी ना, और इस सेकंड फॉर्म को जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव में बनाया तो सेकंड फॉर्म की जगह पे यहाँ आ जाएगा डिड और फिर नॉट, क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं लगता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी नॉट, और फिर स्टॉप की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगती है जब डिड लग जाता है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो जब सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लग गई तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह के सेंटेंस हमारे पास आगे हमें करने हैं। एक सेंटेंस और देख लो, द टीचर टॉट, या टीचर अध्यापक ने पढ़ाया। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द टीचर डिड नॉट टीच। अब देखो यहाँ पे टॉट सेकंड फॉर्म थी ना, द टीचर सब्जेक्ट है, ये तो यूं का यूं आ गया, लेकिन टॉट की जगह पे डिड नॉट आ गया और टीच आ गया। टॉट सेकंड फॉर्म को हटा दिया हमने, डिड नॉट लगा दिया, और वर्ब की मेन वर्ब की जो थी हमारे पास वो फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है बेटा। अब जो हमने पीछे सीखा है ना उसी के अनुसार हमें यहाँ पे भरना है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ नीचे जो एक पैराग्राफ दे रखा है इसमें ब्रैकेट में वर्ब दे रखे हैं, उनकी करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ जो फिलअप्स हैं उसमें भरनी है। या मैंने भर रखे हैं क्योंकि भरने में फिर ज्यादा समय लगता, वीडियो और लंबी हो जाती, और तुम इनको बिना देखे भरना और फिर इससे मिला के देखना कि तुमने सही भरी है या गलत है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं अ स्कूल, फिर डैश है गो टू द प्रगति मैदान यस्टरडे। यस्टरडे है तो हमारे साथ पास्ट टेंस लगेगा, इनमें सब में पास्ट ही टेंस भरना है, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस है या नोट वाला है, नेगेटिव है, नोट नहीं है ना इसमें। तो गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। गो की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, गो वेंट गोन, तो यहाँ आ जाएगा वेंट। आगे हमारे पास है बट दीपक और क्लास मॉनिटर, परंतु दीपक हमारी क्लास मॉनिटर नोट कम। अब नोट लगा हुआ है तो कम के साथ तो नोट लग नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में कौन सी लगती है, डिड, तो आ जाएगा डिड नोट कम, ठीक है। आगे आई डैश, फिर मीट, ये वर्ब की फॉर्म है, इसको हमें भरना है, वर्ब है ये माई कजन एट गेट नंबर 6। आई मैट, तो यहाँ पे नोट वाला सेंटेंस नहीं है ना, अगर नोट नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट। आई मैट माय कजन एट गेट नंबर 6। गेट नंबर 6 पे मैं अपने कजन से, अपने चचेरे भाई से मिला, ठीक है। आगे है वी फिडेस टू विजिट हरियाणा पवेलियन। हरियाणा पवेलियन पर हमने जाने का निर्णय लिया, ये कौन सा है, नेगेटिव है क्या, नोट आ रहा है कहीं पे, नहीं, तो डिसाइड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिसाइडेड, ठीक है, यहां लिख दिया हमने। आगे है वी दिस देयर सून, रीच भरना है, तो यहां भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए वी रीच्ड सून। देयर वाज नॉट ए लॉन्ग क्यू
एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टॉल, स्टॉल के एंट्रेंस पे जहां पे हमें अंदर जाना है, प्रवेश द्वार जो है वहां पे लंबी क्यू मीन्स लाइन, लंबी लाइन नहीं थी। ए बॉय वाज ईटिंग आइसक्रीम, और एक लड़का वहां पे आइसक्रीम खा रहा था। ही डैश द एम्प्टी कप ऑन द ग्राउंड। अब इसमें भी नोट नहीं है और सेकेंड फॉर्म बननी है तो थ्रो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, थ्रीव। ही थ्रीव द एम्प्टी कप ऑन द ग्राउंड, उसने आइसक्रीम खाई और खाली कप को ग्राउंड में फेंक दिया। बट आई डैश हिम टू पुट इन टू द डस्टबिन, उसको कहा डस्टबिन में रखने के लिए। नेगेटिव नहीं है तो यहाँ आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है। ही नॉट लाइक इट एट फर्स्ट, पहले उसको ये चीज पसंद नहीं आई कि कोई उसको टोके, नॉट है ना इसमें, इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया डिड नॉट लाइक, एल आई के ई, डिड नॉट लाइक एट फर्स्ट, पहले उसने पसंद नहीं किया। बट वेन वी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, अब इसमें कहीं भी नोट नहीं है तो एक्सप्लेन की सेकेंड फॉर्म हमने लगा दी एक्सप्लेन्ड, सफाई की स्वच्छता की महत्ता के बारे में बताया, फिर उसकी समझ में आ गई। ही डैश सॉरी, अब ये सॉरी तक का सेंटेंस पूरा हो गया, यहाँ पे हमारा हाफ सेंटेंस हो गया ना, और यहाँ पे कोई नोट नहीं है तो फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, फील मीन्स महसूस करना, फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड टू आवर एडवाइस, एग्री टू आवर एडवाइस, तो एग्री की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे क्योंकि नोट तो है ही नहीं, डिड नहीं आएगा इसलिए, तो यहाँ आ जाएगा एंड एग्री टू आवर एडवाइस, और हमारी जो हमने उसको शिक्षा दी थी कि भैया ऐसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, वो उसकी समझ में आ गया, वो उससे सहमत हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से तुम्हें भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे हमें दो चीजों का पता चल गया ना, एक तो भाई हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, दूसरा हमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म कैसे भरनी है, ये हमारे इस पैराग्राफ से हमने समझ लिया है। ठीक है, अब बेटा आगे ये कह रहा है राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ आवर स्कूल सेलिब्रेट वन महोत्सव दिस ईयर, कि इस साल हमारे स्कूल में वन महोत्सव कैसे मनाया गया। रिमेम्बर टू इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये ऐसे नीचे जो पॉइंट्स है ये हमारे पैराग्राफ में होने चाहिए। पॉइंट्स हैं हमारे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव की, वन महोत्सव की क्या महत्ता है, वेन एंड हाउ इट वॉज सेलिब्रेटेड, कब और कैसे मनाया गया, चीफ गेस्ट कौन था, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड, कितने पेड़ पौधे उगाए गए, एंड वर्ड्स फॉर थैंक, और किसने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। तो ये सारी चीजें हमारे पैराग्राफ में होनी चाहिए। बेटा मैंने ये पैराग्राफ लिख रखा है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, मैं एक बार पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ। वन महोत्सव इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव क्या है, वन महोत्सव एक ऐसा त्योहार है जो पौधों पौधारोपण के लिए मनाया जाता है, पेड़ों को पौधारोपण के लिए मनाया जाता है, उस दिन पेड़ पौधे बोए जाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में मनाया जाता है। दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल फ्रॉम 3 to 7 July इन आवर स्कूल, और कह रहा है कि इस साल हमने अपने स्कूल में 3 July से लेकर 7 July तक इस महोत्सव को हमने मनाया। द फॉरेस्ट ऑफिसर वाज द चीफ गेस्ट, तो हमारे इस वन महोत्सव में वन विभाग के जो अधिकारी थे वो हमारे मुख्य अतिथि थे। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी, और बहुत अधिक स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने प्लांटेशन की जो एक्टिविटी थी, जो कार्यविधि थी, उसमें भाग लिया। अबाउट 150 प्लांट्स ऑफ एलोवेरा, नीम, बेसिल, गवावा, तुलसी एटसेट्रा वर प्लांटेड इन आवर स्कूल, और कह रहा है कि तुलसी, एलोवेरा, नीम आदि के 150 के आसपास पेड़ हमारे स्कूल में बोए गए। ये सारे बेटा हमारे कुछ फलों के हैं और कुछ हमारे मतलब औषधियों के ही प्लांट हैं। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन द टॉपिक अर्थ, ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ, कह रहा है कि ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ के टॉपिक पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन
किया गया। आवर स्कूल प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट एंड ऑल पीपल प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय ने उपस्थित जितने भी लोग थे उनका और मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। तो बेटा ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया है वन महोत्सव पर। इसी तरह से आप अपनी तरफ से इसमें थोड़ा बहुत कुछ और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा आगे ये एक लेटर लिख रखा है, देखो हम देखते हैं किस पे लेटर लिखा हुआ है। ए ट्री हैज बीन कट नियर योर हाउस, तुम्हारे घर के नजदीक किसी ने एक पेड़ काट लिया है। राइट ए लेटर टू कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी लोकेलिटी कंप्लेनिंग अबाउट द कटिंग ऑफ द ट्री, और तुम्हें पेड़ काटने की शिकायत दर्ज करवानी है कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। तो बेटा इसमें इस तरह के जो भी लेटर्स होते हैं उनमें सबसे पहले लिखी जाती है डेट, जिस डेट को हम लिख रहे हैं वो लिख दिया हमने, उसके बाद किसके पास लिख रहे हैं हमने, देखो इसमें दे रखा है कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ लिख दिया कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, ये गुरुग्राम लिख रखा है। अगर कोई और का रहने वाला है तो वो वहां का नाम लिख सकते, जिस जगह का कमिश्नर के पास लिख रहे हो उसके नाम लिखना है यहाँ, ठीक है, उसी जगह का नाम लिखना है। आगे रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आगे फिर जो सब्जेक्ट देना होता है इनमें कि भाई किस बारे में हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो हमारा लेटर पेड़ कट जाएगी उसकी शिकायत है ना, तो यहाँ है एक्सप्रेसिंग कंसर्न ऑन इलीगल कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, अवैध रूप से पेड़ कटने पर अपनी चिंता जताने के लिए पत्र, मतलब कि पत्र में ये लिखा गया कि भाई इलीगल रूप से पेड़ काट लिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है आई एम द रेजिडेंट ऑफ, ये डैश छोड़ दिया है, तो ये कोई भी एरिया का नाम तुम दे सकते हो यहाँ पे, जगह का कोई अलग अलग मोहल्ले होते हैं ना, हाँ तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे, एरिया इन गुरुग्राम, कह रहा है कि मैं गुड़गांव के निम्न एरिया में रहने वाला हूँ, किसी भी अमुक एरिया जिसका भी नाम यहाँ लिखोगे उस एरिया में उस क्षेत्र में रहने वाला हूँ। ए ट्री हैज बीन कट नियर माई हाउस टू बिल्ड ए रेस्टोरेंट, कह रहा है कि एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए एक मेरे घर के नजदीक के पेड़ को ही काट दिया गया है। कटिंग ऑफ ट्री वाज नॉट नेसेसरी, और ये पेड़ काटना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, पेड़ तो उसके कैंपस में आ जाता, बीच में बिल्डिंग्स के बीच में भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पेड़ को काट दिया गया है। आई रिक्वेस्टेड यू टू लुक इन टू द मैटर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इस मामले की छानबीन की जाए। आई एम अवेटिंग ए गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम यू, और मैं आपकी तरफ से एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा इसका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, योर ट्रूली, आपका भवदीय जो लिखते हैं हिंदी में, और यहाँ एबीसी लिख दिया मैंने, यहाँ कोई भी नाम जो तुम लिखने वाले हो तुम अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, सबका अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पे मैंने एबीसी लिख दिया यानी कि कोई भी नाम, ठीक है। तो इस तरह के लेटर को हम इसी तरह से लिखते हैं, बीच का मैटर बदल जाएगा, बाकी ऊपर का जो मेथड होता है वो यही होता है कि सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद जिसके नाम हम लेटर लिख रहे हैं वो, फिर उसका सब्जेक्ट कि किस बारे में लेटर लिखा जा रहा है, और सबसे लास्ट में भवदीय और अपना भेजने वाला अपना नाम लिख देगा, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसकी तीनों वीडियो को देख के आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, और पर्सन जो भी है अभ्यास है कुछ भी, ये जो पैराग्राफ है लेटर है इनको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।